ओके तो दोस्तों गाड़ी बारी पार्क करके हम निकल चुके हैं ओस्मा वाटर पूल की ओर। आपको एकदम मजबूत वाला सीन दिखाने का ओके पर मजबूत वाला सीन दिखाने की बात करिए तो मजबूत वाले सीन का सीन कुछ ऐसा है ना कि अभी तक फिक्स नहीं कि हम आपको कहाँ का सीन दिखाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं दोस्तों के साथ और दोस्त लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि यार कहाँ जाएं। मतलब पहले सोच रहे थे कि पीलवा माउंटेन जाएं, उसके बाद सोच रहे थे कि माया देवी जाएं, उसके बाद सोच रहे हैं कि कोसमार जाएं। तो दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला सीन है, तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। करण भाई के घर जाते हैं और वहीं पर पता चलेगा कि आखिर क्या सीन है। ओके तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं करण कुमार के यहाँ पर। करण कुमार आ रहे हैं पर उनके साथ साथ उस तरफ से साहिल कुमार भी आ रहे हैं, मतलब MS गेमिंग भी आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे CM सेट तो एकदम रेडी है, हेलमेट पहन के, उनकी हंटर लेके, और हम लेके जा रहे हैं हमारी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। ओके तो साहिल कुमार आ चुके हैं, करण कुमार भी यहाँ पर आ ही रहे हैं, मतलब आप देख सकते हो वो करण कुमार भी आ रहे हैं। अब सब जाके एकदम मचाने वाले हैं हम। Okay, दोस्तों सीन कुछ ऐसा है ना कि हमने आपको जो लोकेशंस दी थी उसमें से एक लोकेशन पर हम जाने वाले हैं। हम जाने वाले हैं दोस्तों कोसमार वाटरफॉल। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट कोसमार से पहले आने वाले मंदिर के पास फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ का सीन दिखा दे, मंदिर में तो हम नहीं जा सकते, यहाँ पर भी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि थोड़ा सा सूतक वाला सीन है। सूतक वाला मतलब समझ रहे हो, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे MS गेमिंग टकलू हो चुके हैं। वैसे हमारी भी बारी थी टकलू होने की, पर क्या करें, हम थोड़े से कंटेंट क्रिएटर है तो यार अच्छे दिखेंगे नहीं तो अच्छे बिकेंगे नहीं। ओके तो हम टकलू नहीं हुए और आपको टकलू वाला सीन रहने देते, आपको सीन दिखा दे। ओके दोस्तों यहाँ का सीन आपने देख लिया होगा, पर ये वाला सीन तो मतलब कुछ भी नहीं है, आपको वहाँ जाके एकदम क्रेजी वाला मजबूत वाला सीन दिखाते हैं। ओके तो ज्यादा पाव नहीं खाते, लेट्स गो निकलते हैं। ओके तो दोस्तों गाड़ी बाड़ी पार्क करके हम निकल चुके हैं कोसमा वाटरफॉल की ओर और अब आपको एकदम मजबूत वाला सीन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम जब लास्ट टाइम आए थे तब यहाँ पर टिकट नहीं ली जा रही थी, पर अब टिकट वाला सीन हो चुका है। तो अगर आप आते हो तो 10 रुपये टिकट लेके आना, टिकट के पैसे लेके आना। तो गाइस ये हम आ चुके हैं कोसमा वाटरफॉल, हम आए हैं यहाँ पर ट्रेकिंग के लिए, सब कुछ सेट करके आए हैं, पर हमारा एक बंदा गाइस देखिए गौर से देखिए इस बंदे को, स्लीपर पहन के आया है यार, मतलब ट्रैकिंग पे कौन स्लीपर पहनता है। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी लोकेशन पर और अब आपको यहां का सीन देखने को मिल जाएगा।
गाइस पूरा मिशन कंप्लीट करके थके हारे नुबड़े नुबड़े होते हुए हम जा रहे हैं गाड़ी के पास। ओके तो दोस्तों ऐसे ही मंचूरियन के साथ हमारा ये वाला व्लॉग समाप्त हो जाता है। बट इस वीडियो में भी थोड़ी सी दिक्कतें हो चुकी थी। दिक्कतें की बात करी जाए तो गोप्रो की फुटेज थोड़े चलने के बाद मतलब क्रैक हो जा रही थी, मतलब थोड़ी चलने के बाद रुक जा रही थी। साउंड तो आ रहा था पर वीडियो चल नहीं रहा था, ऐसा वाला सीन हो रखा था। इसीलिए आपको थोड़ा सा व्लॉग छोटा देखने को मिला होगा, गोप्रो की फुटेज कम देखने को मिली होगी, ज्यादातर फोन की फुटेज ही देखने को मिली होगी। ओके और हाँ, ये वाला व्लॉग 3 से 4 दिन बाद आपको देखने को मिला होगा। इस व्लॉग के पहले भी हमने एक व्लॉग बनाया था पर वो मेरे को थोड़ा सा नूबड़ा लगा था तो उसको मैंने एडिट नहीं किया। ओके तो इसीलिए व्लॉग आपको लेट देखने को मिला होगा। इसके बाद भी व्लॉग आएगा 1 या 2 दिन बाद, पर वो डेली डेली वाला तो सीन नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत बारिश वाला सीन था बीच में और उसके बाद आलस वाला सीन था भी बीच में। और फिलहाल तो मतलब शांति वाला सीन है तो व्लॉग आपको हम देंगे पर 1 दिन छोड़ के देंगे, तभी हम अच्छे से बना पाएंगे। हर रोज करने के चक्कर में ना नुबड़पंती कर देते हम। ओके तो 1 दिन छोड़ के व्लॉग आएंगे या तो 2 दिन छोड़ के व्लॉग आएंगे, पर व्लॉग तो आएंगे। ओके ना। और हाँ गाइस, जो भी BGMI फ्री फायर खेलते हैं उनके लिए न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है हमारी तरफ से। इंस्टा पर फॉलो कर दीजिएगा Maddy04ID, आपको यहीं की दिख रही होगी, वहाँ पर हम आज अनाउंस करेंगे कि क्या गुड न्यूज़ है। ओके तो बाय बाय।